हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, इसमें हम जा रहे हैं बरसाना। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, वैसे जो ये ब्लॉग है इसमें हम जा रहे हैं बरसाना। और कहाँ का जा रहे हैं? बरसाना गोवर्धन और एक शनिदेव जी का मंदिर होता है वहाँ पर, मतलब कुछ जगह है वहीं पर ही, बरसाना गोवर्धन वगैरह। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। और ये जो है मतलब रेल के थ्रू या फिर किसी रोडवेज बस के थ्रू नहीं जा रहे हैं। जो बसें जाती हैं ना, मतलब लोग जाते हैं इकट्ठे होकर, बस वगैरह बुक करते हैं लोग, वैसे ही हम जा रहे हैं। तो 350 रुपये पर पर्सन के हैं। और हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, बुआ के घर आए, यहाँ से बस जा रही है। तो सारे में जाएंगे, गोवर्धन घूमेंगे, बरसाना, ठीक है, राधा जी का मंदिर, शनिदेव जी का मंदिर है, वो नाम मैं भूल गया उस मंदिर का क्या था, मतलब सारा मैं यही ब्लॉग दिखाने वाला हूँ बरसाना गोवर्धन का। तो इन्जॉय करो वीडियो को, ब्लॉग को इन्जॉय करो। और मिलते हैं सीधा, मतलब पूरे रास्ते में देखते हैं क्या इन्जॉयमेंट होती है क्या नहीं होती है। बाकी मिलते हैं शनिदेव जी के मंदिर पर, देखते रास्ते में क्या इन्जॉय होता है, सब शामिल करूँगा, बढ़िया सा ब्लॉग होने वाला है, तो इन्जॉय करो। तो गाइस फिलहाल मतलब हम बस के अंदर आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं, तब हम स्टार्ट कराते तब हम चले थे, लगभग 6:30 थे बस के अंदर है, तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। थोड़ा बहुत बस के अंदर अपने आपको इंट्रोड्यूस करा दो कि अपने बारे में थोड़ा बता दो, थोड़ा भजन वगैरह गाएंगे वो सब इंक्लूड करते हैं वीडियो के अंदर। काफ़ी मतलब बेकार क्वालिटी आ रही है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रात में तो अंधेरा ही होगा ऑब्वियसली। तो सुबह मतलब बाकी शनि मंदिर जाएंगे वो मैं ऐड करूँगा, रात में ही जाएंगे क्योंकि बाकी सुबह बरसाने वगैरह गोवर्धन वो सब ऐड करेंगे इसके अंदर। बाकी थोड़ा बस के अंदर इन्जॉय करते हैं, भजन वगैरह गाते हैं वो ऐड करते हैं। तो इन्जॉय करिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहते हैं, ब्लॉग्स आते रहते हैं। सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो चलिए इन्जॉय करिए वीडियो। Okay.
के माइक पे। गाइस मतलब लगभग 1:20 हो रहे हैं, तो अभी हम आए हो कोसी में है। यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। तो पहले मतलब बरसाने मथुरा कहीं पे भी जाते हैं तो मैक्सिमम लोग पहले यहाँ इस मंदिर में आते हैं, शनिदेव जी के मंदिर में। तो हम भी पहले यहाँ मंदिर में आए हैं शनिदेव जी के। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे चारों तरफ गंदगी हो रही है। तो ये गंदगी साफ़ सफाई का मतलब ध्यान रखा करो, गंदगी मत करा करो, धार्मिक जगहों पर जाओ, गंदगी मत करो। तो फिलहाल मैं ये मंदिर दिखाता हूँ आपको, अगर हो पाता है यहाँ पे पॉसिबल शूट करना तो थोड़ा मंदिर दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। बाकी अभी हम कोसी में हैं भाई, इतना टाइम हमें यहाँ तक आने में से लग गया, 1:20 हो गए, इतना टाइम से लगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा है। ये दिल्ली के बाहर मिला है मैं ट्रैफिक रास्ते में बहुत ज़्यादा, कि वो होता है ना ये नो एंट्री का टाइम होता है ट्रक वगैरह की, तो सारे ट्रक वगैरह रास्ते में खड़े, तो मैं एंट्री नहीं मिल पाई थी। तो खैर फिलहाल देखते हैं मंदिर में, हम दर्शन करते जाके मिलते हैं आगे। तो मतलब यहाँ से जो मतलब ये शनिदेव जी का मंदिर है वहाँ से हम आ चुके हैं बाहर। तो कुछ लोगों से मैंने मतलब मंदिर और है थोड़ा सा वहाँ पे भी जा रहे हैं, तो कुछ लोगों से मैंने आके नाम पूछा कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कोसी नाम है इस जगह का, और कुछ से पूछा वो कोकिला वन बता रहे हैं नाम। तो खैर आप दोनों गूगल पे देख सकते हो, कोसी शनिधाम मंदिर आ जाएगा और कोकिला वन शनिधाम मंदिर दोनों आ जाएगा। तो कवर कर दिया मैंने वीडियो के अंदर, ब्लॉग के अंदर दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर सामने ही शनिदेव का मंदिर पूरा कवर नहीं करा है, थोड़ा सा और रह गया है, वो भी देखते हैं ऐड कर। तो मतलब यही है, यहाँ पे कोकिला वन जगह का नाम है, कोसी भी यहाँ का नाम है, शनिदेव जी का मंदिर है, तो वहाँ हम घूम रहे हैं। फिर इसके बाद बस में जाके फिर वहाँ से बरसाना की ओर जाएंगे। शायद देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, बाकी यहाँ का देख दिखाता हूँ आपको मंदिर कैसा है। तो यहीं पर ही जो शनिदेव जी का मंदिर है, पूरा पीछे उधर मंदिर था और एक यहाँ पे छोटा सा था, वहीं पर ये कुंड टाइप में बना रखा है, जहाँ पे सामने ये भी लिखा हुआ है चोर कपलावा जेब कतरो सावधान। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ कुंड टाइप में बना है, चलते हैं एक बार अंदर।
कुंड में नहा के जाओ, मनोकामना पूरी करानी है तो ये तो कह रहे हैं तुमसे। तो यहाँ पर कुंड बना हुआ है, पानी तो वैसे गंदा लग रहा है इसका काफी देखने में, एक बार देखते हैं। तो ड्रामे नगर तो लग रहा हो तो लग रहा था, वही तो बताऊँ मजा आएगा। तो साफ दिख रहा है गंदा उसमें क्या तो इसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए कुंड वगैरह, लेकिन लोगों ने बिल्कुल गंदा कर रखा है इसको, तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। हम हेलो, हमने यहाँ पे एक कुत्ता पाला है। तो एक बार कंप्लीट आगे डिटेल बताते हैं। तो संजय देव मंदिर है, वो कोकिलावन धाम है, यहाँ पे जगह का नाम कोकिलावन धाम, और जो जगह है वो है कोसी कला। ये जगह है जो कि मथुरा के अंदर पड़ती है कोसी कला, और जैसा कि मैं पीछे भी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे उल्टा दिख रहा है। कोसी कला जगह का नाम है और कोकिलावन धाम है शनिदेव जी का मंदिर जो कि मथुरा में ही पड़ता है। तो खैर अब आगे मिलते हैं बरसाने में। तो बाकी उसके अलावा अगर मैं यहाँ की मतलब थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा बताऊँ, मंदिर तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में, मंदिर तो होता ही अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी। पीछे वो कुंड जो था पूरी गंदगी मचा रखी है, पेड़ वगैरह है, लोगों ने कच्चे होने अपने उतार उतार के वहाँ पेड़ों पर डाल रखे हैं। अभी दो चार लड़के नहा कर गए पेड़ के ऊपर, मतलब अपने कच्चे होने फेंक के चले गए, इतनी गंदगी मचा रखी है। यहाँ पे पीछे भी देख सकते हो आप, चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा दिखाई दे रहा है। दिखाऊँ एक बार, देखो चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी बहुत है यहाँ पर। तो भाई जो भी यहाँ पर आओ प्लीज़ यार गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि ये सब गंदगी हम ही करते हैं यहाँ पर आकर, कोई ऊपर से बारिश नहीं हो रही है कूड़े की, हम ही करते हैं। और इस चीज़ को सुधारो, गंदगी नहीं करनी है, धाम है धाम को धाम ही रहने दो, गंदगी ना मचाओ। तो मिलते हैं आगे।